हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। मैंने इसके क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे, सॉरी, वो ग्रुप पे डाले। हाँ, मैंने इसके क्वेश्चन जो है मैंने इसके क्वेश्चंस ग्रुप पे डाले। आप फाइल ग्रुप से भी खोल सकते हो। जब भी ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कस होता है, हमेशा इसके साथ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन कंफ्यूज होता है, और ये दोनों टॉपिक्स बहुत क्लोज क्लोज लोगों को फील होते हैं। मैं आजकल जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो पहला सवाल है उसको आप शुरू कर लें। एक बच्चे ने ऑलरेडी आंसर दिया है 1B, और मैंने कुछ नोट्स ग्रुप पे डाले और वो जरूर देखिएगा। ये जो देखिए छोटे छोटे नोट्स होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये क्विक रिवीजन होती है। आप सब लोग इसके नोट्स जरूर रिवाइज कर लें एक मरतबा। मैं इसके नोट्स ग्रुप पे डाली है। मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर सजेस्ट हुआ है 1B। सब लोग इसका पहले एक मरतबा नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे ने ऑलरेडी दे दिया, और दूसरे क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं।
इस चैप्टर में जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डीसी मोटर, सबसे ज्यादा सवाल उस पे है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जबाद, वेरी गुड मेमोरी रिकॉल। मुझे पिछले वाली की भी भेजनी चाहिए, इससे पहले मैंने जो फाइल भेजी थी उसकी भी नहीं भेजी थी, तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर याद दिला दीजिएगा कि आफ्टर द क्लास आई शुड हैव पोस्टेड द मार्किंग स्कीम ऑफ दीज बुक्स ना। इससे पहले भी मैंने दो बुक्स भेजी हैं, बल्कि शायद दो से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है 1B, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। अब आप आ जाओ इस पर, ये वाला क्वेश्चन पढ़े। सब लोग सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ें। सब लोग अपने कैमरास को ऑफ रखें, सब लोग अपने कैमरास को प्लीज ऑफ रखें। मुझे सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ें, कहते हैं अब इसमें विच चेंज मेक्स द क्वाइल रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एट अ फास्टर रेट। हम चाहते हैं कि क्वाइल तेज घूमे, तो अब टू का आंसर सजेस्ट हो रहा है डी, एक तो रिवर्स कर दो मैग्नेटिक फील्ड, सही है, और दूसरा करंट बढ़ा दो। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अगर मैग्नेटिज्म रिवर्स कर देंगे तो क्वाइल उल्टा घूमेगी, और अगर करंट बढ़ा देंगे तो उससे क्वाइल फिर तेज घूमेगी। सही है, गुड। अब आप आ जाओ इसके थर्ड क्वेश्चन पे, आ जाए थर्ड वाले पर, इस पे आ जाए। ये है लेफ्ट हैंड रूल।
diagram shows a wire PQ between the north pole and the south pole of a magnet. There is a current in the wire in the direction of the arrow. What is the direction of the force? अब आप इस पे अगर अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल फोर्स किस तरफ आती है? सही आंसर है ए. जब आप लेफ्ट हैंड रखेंगे ना तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो करंट है फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ होगी और करंट करंट ऑपोजिट है तो इन द पेज आ रहा है. सही है. ये वाला क्वेश्चन यहां पर गलती से लग गया. ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नहीं है. ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई बैटरी नहीं है. जिस सवाल में बैटरी नहीं होती पावर सोर्स नहीं होती वो सवाल एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होता है. तो ये सवाल असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. गलती से लग गया, इसको छोड़ दीजिएगा. और इसके बाद वाला क्वेश्चन ये भी गलत है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. चले अब आप ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर जो है ना ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी छोड़ दें. कर तो सकते हैं लेकिन भारत अभी हमने इसको कवर नहीं किया हुआ. हाँ ये क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए. बी, एक बच्चे ने कहा बी, पी एंड क्यू रिप्रेजेंट टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. दोनों पे क्रॉस लगा हुआ है. क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज. Into the page दोनों में है ना. तो अब यहां पर वो कह रहे हैं अगर दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में हो तो हमने क्या सीखा था, करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर करंट एक ही डायरेक्शन में हो तो वो क्या करते हैं, याद है किसी को, लाइक करंट्स हमने क्या सीखा था, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लो तो ये अच्छा होगा कि इस कॉन्सेप्ट को वापस ले आए. कॉन्सेप्ट क्या था कि जो करंट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जो करंट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक करंट्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक करंट्स रिपेल. तो ये ए और बी तो सेंसलेस हैं. डी का मतलब है अट्रैक्शन और बी का मतलब है रिपल्शन. तो अगर करंट एक ही डायरेक्शन में हो, कोई भूल गया हो तो दोबारा लिख ले, लाइक करंट्स अट्रैक्ट. अगर कोई ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाए, जरा एक पास पेपर कराने का मेन मकसद तो जाहिर रिवीजन होता है ना, तो अगर कोई भूल चुका हो तो लिख ले कि लाइक करंट्स अट्रैक्ट while unlike currents repel.
तो अगर कोई भूल गया हो तो वो इसको जरूर अपने साथ रिकॉल कर ले। फायदा क्या होता है कि जब आप रिकॉल कर लेते हैं तो वो चीज वापस आ जाती है। और इस बिहाफ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर आंसर होगा डी। इस बिहाफ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर होगा डी। चलो अब आप ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 8। ये कह रहा है जो लेबल मार्क हुआ है क्यू, तो एक बच्चे ने कहा है कि क्यू का मतलब है कम्यूटेटर, और स्लिप रिंग तो नहीं हो सकता। हाँ, कम्यूटेटर इज अ गुड आंसर, करेक्ट आंसर। तो आंसर है बी, सही है। तो आंसर आ गया 8 का बी। सही है। अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन, ये जरा ट्रिकी है।
एरोज ऑन द फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब देखो इसमें जो सारे एरो बने हुए हैं वो बने हुए हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ. ये आप याद कर सकते हो इस तरह शेप बना के, एक मेमोरी है. हिंट लिखी हुई है कि जब करंट क्लॉकवाइज होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होती है तो वहां पर साउथ पोल होता है. तो इसका आंसर होगा बी. आंसर आ रहा है बी. अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो चुका है, रिपीट है. क्वेश्चन 10 रिपीट हो रहा है. अब आप इसमें देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, मैंने हिंट लिखी हुई है क्योंकि अल्फा पार्टिकल मैंने अभी पढ़ाई नहीं है. अल्फा पार्टिकल्स वो होते हैं जिन पर +2 चार्ज होता है. जो पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन होती है, याद रखिएगा, वही डायरेक्शन करंट की भी होती है. अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं. पॉजिटिव पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन करंट की होती है. अब जरा इसको देखिएगा. देखो अब वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बीम. जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो आपकी फर्स्ट फिंगर तो नीचे जाएगी, और जो करंट है वो राइट को जा रहा है. तो अब अगर करंट राइट को जा रहा है तो फिर आपको मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इनटू द पेज होगी. आप अगर इस पे लेफ्ट हैंड रखोगे तो इसका आंसर आ रहा है बी. 8 का आंसर है बी, into the page. अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है 12. ये वाला क्वेश्चन अब पढ़ ले, पहले क्वेश्चन पढ़ ले.
Which device uses the force experienced by a current in a magnetic field when in normal use? तो अब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है? कैथोड ऑसिलोस्कोप तो नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वो तो नाम बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वर्क करेगा, हाँ लाउड स्पीकर हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर बेसिकली वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मर किस पे वर्क करता है आजकल हम पढ़ रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। चलो अब ये है 13, सब लोग अच्छा इसका फिर आंसर क्या है? लाउड स्पीकर सी, 12 का आंसर है सी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखें, चलो अब पढ़ो कि द डायग्राम शोज अ करंट कैरिंग वायर इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड विच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये करंट है और ये जो करंट गुजर रहा है करंट की ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अब अगर आप करंट आपकी तरफ आ रहा है और मैग्नेटिज्म जो है वो लेफ्ट टू राइट है, तो अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रखें तो देखें थंब किस तरफ आएगा, यानी फोर्स किस तरफ आएगी, लेफ्ट हैंड रख के देखें,
देखिए इसमें इस वाले सवाल में ये बात नोट करें, इस वाले सवाल में ये बात नोट करें कि जो फोर्स है, जो लेफ्ट हैंड रूल का कॉन्सेप्ट याद कर लें कि लेफ्ट हैंड रूल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है हर चीज पर, वो करंट पे भी परपेंडिकुलर होती है और मैग्नेटिक फील्ड पर भी होती है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो इसमें अगर आप चेक करो तो जो बी है, हाँ अब आंसर बी है। अब देखो या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता, ए और सी क्यों नहीं हो सकते। लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक कोई भी एरो दूसरे एरो के पैरेलल नहीं आ सकता, वो परपेंडिकुलर शेप होती है ना उसकी, तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा। तो जब आप इस पे लेफ्ट हैंड रखोगे, तो जब आप इस पे लेफ्ट हैंड रखोगे तो आंसर आएगा बी, तो इसका आंसर है बी। और उसके बाद अब ये वाली डायग्राम कॉपी, ये वाला क्वेश्चन देखें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 14 करना है।
अब देखिए, फ्रॉम तलहा, तलहा ने बोला है ए, तलहा के पास आंसर आ रहा है ए, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट लाई इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द टू कंडक्टर्स अट्रैक्ट वन अनदर, द टू करंट्स, रूल मैंने साइड पे लिख दिया था, तो बी इन द सेम डायरेक्शन। तो 14 एक बच्चे का आंसर आया, अनफॉर्चुनेटली बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया, इसमें टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन देखो बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करो। एमसीक्यूज में मकसद होता है सब पार्टिसिपेट करें, एमसीक्यूज बड़ी क्विक क्विक मेमोरी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। अ वायर हैंग्स बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट व्हेन देयर इज अ करंट इन द वायर, इन विच डायरेक्शन डज द वायर मूव। अब अगर हम निकालें फोर्स, तो नॉर्थ टू साउथ ये तो चला गया फोर्स के पास, डी वाला एरो तो चला गया मैग्नेटिज्म के पास, ये जा रहा है नीचे की तरफ करंट, तो अगर करंट नीचे की तरफ है तो आपको फोर्स किधर मिलेगी, ये डायरेक्शन करंट के पास है, ये डायरेक्शन किसके पास है, मैग्नेटिज्म के पास, तो ऑप्शन या तो सी है या ए है। सी कैसे होगा, सी के लिए तो जरूरी है कि करंट फिर अपवर्ड हो, देखो करंट डाउनवर्ड है, तो इसका आंसर आ रहा है ए। चलें अब हम इसके थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, हम इसके थ्योरी क्वेश्चन जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। हम इसके अब थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने पास पेपर की वो बुक टू खरीद ली है, पेपर टू वाली जो बुक होती है, जिन लोगों ने पेपर टू वाली बुक खरीदी है वो इसको देखिएगा। मेरा ख्याल है कि हमने शायद ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, एक क्वेश्चन हमने कर लिया था और दो क्वेश्चन शायद कर लिए थे। सब लोग अपनी पेपर टू वाली बुक ले आइएगा, जिनके पास पेपर टू वाली बुक है। हाँ बिल्कुल, जो वायर है वो फोर्स की डायरेक्शन ही में जाएगी। अब जरा चेक करिएगा, मुझे लगता है कि हमने इसमें कुछ काम किया हुआ है पिछली क्लास जब हुई थी, तो जिनके पास पास पेपर हैं चाहे वो टॉपिकल हो या ईयरली हो, जो भी पास पेपर बुक हो वो चलेगी, लेकिन ईयरली होना अच्छी बात है,
मेरे ख्याल में नवंबर 1922 का 7, जरा ये वाला ईयर चेक करें, ये वाला ईयर चेक करके बताएं कि क्या हमने किया भाई ये सवाल। मुझे लगता है कि ये पिछला वाला क्वेश्चन तो मुझे कंफर्म है कि किया हुआ, ये वाला तो किया हुआ, ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा, जरा चेक करके बता दें। किसी और के पास अगर इसका फीडबैक हो तो मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल में हमने क्वेश्चन ये वाला किया हुआ है। ये ताहा कह रहे हैं कि नहीं किया हुआ। अच्छा ठीक है, अगर ये नहीं किया हुआ तो फिर इसको इसी से शुरू कर लेते हैं। आप ये ईयर नंबर नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर है 7, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को निकाल लें। ये पेपर टू शुरू कर रहा हूं, नवंबर 2019, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 7, ये ईयर नंबर डाल दे। ठीक है, ईयर नंबर आ गया। अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल रिचार्जेबल सॉरी रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी प्लेस बिटवीन अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। देयर इज अ करंट इन द कॉइल। अब चूंकि करंट हम दे रहे हैं तो ये क्या है, मोटर है। एन अपवर्ड फोर्स एफ ऑफ दिस मच साइज एक्ट ऑन साइड ए बी ऑफ द कॉइल। ये फोर्स है। देखो कह रहे एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑन साइड ए बी। तो आप उसको बताओगे कि जो करंट गुजर रहा है, ये वाला करंट ये गुजर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। आप सबको मैंने कई मरतबा कहा है कि सब कोशिश करें कि पास पेपर की बुक्स खरीदें, बहुत कम टाइम बाकी है। अब 85 डेज हैं जो मैंने आज का रिमाइंडर भेजा है। अब जाहिर है कि इसके बीच में मॉक्स भी होंगे, रिविजन भी है। पास पेपर अगर आपने साथ साथ सॉलिड कर लिए तो आखिरी ओवर में आप फंसेंगे नहीं। अगर आप आज से भी पास पेपर शुरू करें, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में आप बहुत पास पेपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रुके रहे कि नहीं आखिर में, तो एक बहुत ज्यादा पास पेपर है, एक एक साल में चार 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 पेपर बन जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करो कि पास पेपर की बुक्स खरीदो ईयरली, और जो मैं आपको क्वेश्चंस कराता जाऊं उनको उसमें लिखो। स्कूल के पेपर भी आप उसी में कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका डबल काम बच जाएगा। अच्छा आप देखो कह रहे हैं व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑन साइड ए बी। मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन हम दोबारा आंसर लिख लेते हैं। ये हमें दे रहा है 1 मार्क। तो आप लिखोगे कि द करंट इन द वायर, द करंट इन द साइड ए बी, लिखिएगा द करंट इन द साइड ए बी प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है, अब इसमें लिखिएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ सिग्नल का मसला हुआ था, मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ ये मेरा ख्याल है कि हमने किया हुआ है, मुझे लग रहा था ना कि लिखवाया है, अब सब लोग लिख नहीं रहे ना। देखो ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, जैसे इसने बताया अभी चेक करके। अब ये करते हैं जून 1922 का 7, ये वाला करते हैं जून 1922 का 7। जून 1922 का 7 ये कर लेते। और अब आप ये ईयर नंबर नोट कर लो, जून 1922, जून 1922 का 7 ईयर नंबर नोट करो और इस क्वेश्चन को शुरू करें। जून 19, और पेपर है 22। ये वाला क्वेश्चन है, सब लोग पहले एक क्वेश्चन पढ़ लो। देखो ये क्वेश्चन है, द फिगर शोज अ कॉपर वायर्स प्लेस्ड ऑन टू कॉपर रॉड्स इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। द क्रोकोडाइल क्लिप ए टचेस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस कॉजेज द कॉपर वायर टू मूव। चलो अब इसको देखो, ये डायग्राम पूरी एक मरतबा देखो, इस तरह का मैंने आपको एक एनिमेशन भी दिखाई थी। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मार्क विद एन एरो डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉपर वायर। अब करंट कैसे चलता है, करंट चलता है प्लस से जाता है माइनस पे। तो अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन लेना चाहोगे, अगर आप करंट की डायरेक्शन लेना चाहोगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी यू। ये पहला पार्ट है, यहां से शुरू करो।
फिगर 7.1 मार्क विद एन एरो, ये हो गया. एक्सप्लेन व्हाई द कॉपर वायर मूव्स अलोंग द कॉपर रॉड. कह रहा है कॉपर वायर मूव करेगी, आपको बताओगे कि उस पे फोर्स लगेगी. इसके दो मार्क्स दे रहे हैं. लिखिएगा कि ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन, ये पार्ट बी का आंसर लिखवा रहा हूं. Due to interaction between the magnetic field of the current and the resident, ये वाली, and the resident magnetic field, and the resident magnetic field, and the resident magnetic field and the resident magnetic field, a force appears on the copper rod चलो अब पढ़ो. नेम टू डिफरेंट डिवाइसेस दैट यूज दिस इफेक्ट. आप एग्जामिनर को बता सकते हो, लाउड स्पीकर कर लो और मोटर कर लो. आप लिख दो नंबर वन, यही दो डिवाइसेस आपने पढ़ी थी ना इस चैप्टर में, तो नंबर वन लिख दो मोटर, नंबर वन लिख दो मोटर, नंबर टू लिख दो, नंबर वन मोटर, नंबर टू लिख दो लाउड स्पीकर. चलो अब ये वाला ईयर नंबर निकालो.
a steel rod is magnetized using an electrical method. Describe how this is done. You may draw a diagram if you wish. जगह दी भी है इसने और दो मार्क्स दे रहे हैं, तो आप डायग्राम बना दें उसमें. ये वाली डायग्राम बनाएं सब लोग, ये वाली डायग्राम उसमें फिट कर दें. चलो अब इसके नीचे आपको, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दो तीन लाइनें लिखोगे. आप लिखिएगा कि नीचे लिखिएगा कि अरेंज द अपरेटर्स एज शोन. लिखिएगा अरेंज द अपरेटर्स एज शोन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड. अरेंज द अपरेटर्स एज शोन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड. When the switch is closed, solenoid is magnetized is magnetized. This magnetizes the steel rod. चलो पार्ट टू बीबी आज. डिस्क्राइब हाउ यू कैन चेक दैट द स्टील रॉड इज मैग्नेटाइज. कह रहा है ये बताओ तुम कैसे कंफर्म करोगे कि स्टील रॉड मैग्नेटाइज हो गई है. ये आसान है, इसके करीब एक मैग्नेटिक कंपास रखो और उसकी डिफ्लेक्शन देखो, दूसरी तरफ रखो फिर डिफ्लेक्शन चेक करो. तो लिखो के प्लेस, ये पार्ट बी का आंसर शुरू कर रहा हूं. प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास नियर वन एंड, वन कॉर्नर या वन एंड ऑफ द स्टील रॉड.
वन एंड ऑफ द स्टील रॉड स्टील रॉड चेक द डिफ्लेक्शन चेक द डिफ्लेक्शन चेक द डिफ्लेक्शन Repeat this with the other corner. चलो अब ये हो गया हमारा आज का काम यहाँ कंप्लीट है और हम अब इसको June 18, 21, 6 ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है हम इसको अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।